अच्छा एक चीज़ मेरे को दिखी है, मैं आपको दिखाता हूँ जरा, एक मिनट रुकिए। ये आप देख रहे होंगे मेरे सामने थार खड़ी है, पुराने वाली थार। तो ये थार देख के कुछ आपको याद आया, ऑब्वियस से याद आया होगा, सिद्धू मूसेवाला जो कांड हुआ था, ऐसी ही एक थार थी। मतलब ऐसी ही थी, मतलब कुछ यार गलत में ले जाना किसी चीज़ को, ऐसी ही थी कि, और मतलब ऐसी ब्लैक कार थी पुरानी वाली। देखो मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, पूरे होंगे नहीं होंगे ये नहीं पता, लेकिन हाँ सपने बड़े हैं। देखना तो बड़ा देखो ना, सोचना तो बड़ा सोचो। जब सोच ही रहे हो और सोचने का जब कुछ पैसा ही नहीं लग रहा है, तो जब सोचना ही है तो बड़ा सोचो, और जब सपने ही देखने तो बड़े सपने देखो। चिरकुट सपने देखने से क्या फायदा है ना। ये है हमारा टैंक चौक, और आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे टैंक है और ये झंडा लगा हुआ है। तो ये है टैंक चौक, ये देखिए रेड लाइट हो रखी है, और ये ऑटो वाले महाराज को बहुत जल्दी है, 6 सेकंड, मतलब 6 सेकंड भी नहीं रुक सकते यार, कैसे लोग हैं। मतलब ना इंडिया में, मतलब इंडिया में, मतलब कई बार सोचता हूँ कि यार इंडिया में हम बहुत सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से ही हमारा इंडिया कहीं ना कहीं पीछे है। रीज़न देखो यार, अब 6 सेकंड था, 6 सेकंड में इसका क्या ही, और ये कितनी दूर पहुँचा देखो, वो जा रहा है ठीक है। अब 6 सेकंड में कोई बड़ा हादसा हो सकता था, उतने सेकंड में चलान हो सकता था, चलान भी इसकी जेब से ही जाता ना, मतलब पैसा तो ये मेहनत का कमा रहा है, जैसे भी कमा रहा है वो पैसा जाता। मतलब यार ऐसा पता नहीं लोग करते क्यों यार, मुझे समझ नहीं आता कि मतलब गलत चीज़ें करके उन्हें मिलता गया है। मुझे आज तक ऐसा कुछ समझ नहीं आया कि यार मतलब लोग क्यों करते हैं ऐसा, है ना, करना नहीं चाहिए। बिकॉज ऑफ यार लाइफ आपकी है ठीक है, आपकी वजह से किसी को नुकसान ना हो और किसी की वजह से आपको नुकसान ना हो। वैसे मतलब रेड लाइट क्रॉस करते हो तो अगर मान लो खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे ऐसा हो कभी किसी के साथ, आप मतलब रेड लाइट पे ही आप निकाल रहे हो अपनी बाइक कार ऑटो वगैरह, और साइड से जिसकी ग्रीन है वो एकदम फास्ट आ रहा है और जल्दी निकालने के चक्कर में वो आपको ठोक देगा, उसका भी नुकसान होगा आपका भी नुकसान होगा। तो ये चीज़ें सही नहीं होती हैं यार, मतलब नहीं करना चाहिए ऐसे, अच्छी बात नहीं होती है। मतलब मैं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, और मैं सभी को बोलता हूँ इस चीज़ का कि यार इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है और हमारी वजह से कितने लोग होते हैं। देखो अभी 5 सेकंड हैं, और ये देखो ये भी ऑटो वाला ऐसे ही है यार, मतलब हद है यार ना। मतलब देखो 5 सेकंड थे और मैं निकाल रहा था, और उस ऑटो वाले ने उधर से कर दिया, अभी कांड हो जाता यार। मतलब इतनी जल्दी क्या रहती है यार, मुझे नहीं समझ आता। मतलब क्या तुम इतनी जल्दी कर रहे हो कि तुम्हें मतलब एकदम रेड लाइट पे ही निकलना है। अब यहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, यहाँ पे देखो कोई नहीं निकलेगा ठीक है, और जो निकलेगा उनकी तो पुंगी बजा देंगे पुलिस वाले, वो खड़े हैं। अब पकड़ लिया है कुछ लोगों को। ये मेरे राइट साइड पे सिंह द्वार है माता मनसा देवी माता का, यहीं से माता मनसा देवी हैं, सगेतड़ी है। तो वो देखिए पुलिस वाले खड़े हैं, और दो गाड़ियाँ इन्होंने पकड़ ली हैं, जो कि आई थिंक रेड लाइट क्रॉस, हाँ रेड लाइट क्रॉस करने पर पकड़ते हैं। और अभी देखो 1 सेकंड और ये ग्रीन हुआ, और अब निकलेंगे यहाँ से लोग ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा खौफ होना चाहिए। अभी हम पहुँच चुके हैं मनी माधव, और ये है ढिल्लो जो कि बहुत पुराना मतलब थिएटर है, और ये ढिल्लो से अभी FR हो चुका है जिसका नाम है फन रिपब्लिक। और अभी हम पहुँचे हैं, ये मनी माधव का बस स्टॉप है, और ये जो मनी माजरा है ये बताया जाता है, ये मनी माजरा जो पाकिस्तान का पेशावर है, तो मतलब उससे रिलेट इसको किया जाता है कि मतलब जैसे वहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है, वैसे ही यहाँ पर भी मतलब उस तरीके से भीड़ रहती है। आपको ये कड़कड़ कड़कड़ जो सुनाई दे रहा होगा ना, ये जो मैंने कैमरे को माउंट करने के लिए हेलमेट में वो स्ट्रिप सी लगा रखी है ना, तो उसी की ये कड़कड़ आवाज़ है। और देखिए अभी हम मनी माजरा का आपको भीड़ दिखाएंगे, और ये देखिए मनी माजरा के अंदर घुस गए हम, और ये किला है, ये देखिए किले बने हुए हैं, ये अभी इससे ही बड़ा किला आपको दिखाएंगे चल के। ये देखिए ये कितनी कंजेस्टेड जगह है, बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, आपको मतलब मीडियम रेंज में हर कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे लो रेंज का नहीं मिलेगा, यहाँ पे बहुत हाई रेंज का आपको नहीं मिलेगा, बट यस मीडियम रेंज का आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। अब एक बार आएंगे आपको हर कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे अपने खाने पीने का सामान लेना है, चाहे अपने कॉस्मेटिक लेना है, चाहे अपने कपड़े लेने हैं, चाहे अपने ज्वेलरी लेनी है, चाहे अपने कुछ भी लेना है, किसी भी तरीके का सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
तो मनी महिंद्रा देखा जाए तो चंडीगढ़ की सबसे बड़ी मतलब मार्केट है और बहुत अच्छा एरिया है। तो ये जो मेरे सामने हम देख रहे हैं ये मनी महिंद्रा का किला है, जो कि इसी की वजह से हमारे जो मनी महिंद्रा है वो फेमस है। तो ये हम आ गए यहाँ पे ईश्वर अंकल के टिक्की छोले खाने। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने फिर से शुरू कर दिया है, और एक्चुअली क्या था कि मैं वो छोले टिक्की खा के तुरंत निकल गया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे आना था, ये स्वास्थ्य विहार है, यहाँ पे आना था, अपनी वैल्यूएशन की एक पेमेंट लेनी थी। तो यहाँ पे आके पेमेंट लेके बस अभी जस्ट फ्री होके और मैंने अब वीडियो स्टार्ट किया है। तो ये है स्वास्थ्य विहार पंचकुला का, और अभी ऐसा हुआ कि मैं एक रेड लाइट क्रॉस कर रहा था, तो उसी टाइम पे पीछे से मतलब और रेड लाइट थी, देखो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हुआ था ना, रेड लाइट थी, उसके बावजूद पीछे से पी 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 पी, मतलब तसल्ली नहीं है कि भाई मतलब कितने में 8-10 सेकंड रहते होंगे। और भाई ऑटो वाले मतलब यार मैं मतलब ऑटो वालों को किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन अब जितने ज़्यादा देखोगे ना तो ऑटो वाले क्या करते हैं, मतलब उन्हें पेशेंस ही नहीं है कि हाँ यार थोड़ा रुक जाएं ताकि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, हमारी वजह से किसी को एक्सीडेंट ना हो जाए। मतलब यार गलत है, ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है यार, मतलब इस बारे में उन्हें सोचना चाहिए। अब ये देखो यहाँ भी ये रेड लाइट पे पकड़ा गया बंदा, ये इन्होंने पकड़ लिया, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे क्या होता है फॉरेन वगैरह में, वहाँ पे लोग अपने आप ही चीज़ों को फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यार रूल्स बने हैं हमारी सेफ्टी के लिए बने और हमें उस चीज़ को फॉलो करना है। तो मतलब अब क्या बताऊँ यार, मतलब इंडिया के अगर जहाँ देखोगे वहाँ रूल टूटते नजर आएंगे। मतलब इंडिया में तो एक ना मतलब कि स्टाइल कह लो या फिर कह लो कि ये स्वैग की तरह इसे यूज़ करते हैं कि अगर कोई रूल बना है तो ब्रेक करने के लिए बना है। मतलब ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई रूल बना है तो ब्रेक करने के लिए बना है। अभी देखिए गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो जगह जगह आपको गणपति बप्पा देखने को मिल जाएंगे, गन्नू बाबा देखने को मिल जाएंगे। तो हम भी गणेश जी रखते हैं और 31 तारीख को हम भी स्थापना करेंगे। हाइपर राइडिंग अगर आप करना चाहते हो, सबसे पहले तो आप एक्सपीरियंस होने चाहिए हाइपर राइडिंग के लिए, उसके बाद आपने अपने प्रॉपर कम से कम मतलब कुछ जो मेजर गेयर्स हैं वो तो पहने ही होने चाहिए, लाइक आपने ग्लव्स पहने होने चाहिए, आपके पास स्पोर्ट्स शूज होने चाहिए, आपने नी गार्ड और लेग गार्ड पहने होने चाहिए, तो और हेलमेट, यस सबसे कंपलसरी तो हेलमेट है, ये सब चीज़ें पहननी चाहिए। देखिए हेलमेट होने के बावजूद मतलब इन लोगों ने अपना हेलमेट बाइक पर रखा हुआ था, और मतलब यार है ना क्या, मतलब क्या ही लोग हैं ना, मतलब हेलमेट है लेकिन पहनना नहीं है, क्यों, बाल खराब हो जाएंगे यार, जब अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा वैसा होगा तो खोपड़ी खराब हो जाएगी ठीक है ना। तो लोग यार मतलब पता नहीं क्यों डरते हैं पहनने से हेलमेट, और मेरे साथ तो उल्टा होता है कि मैं घर में होते ही मैं हेलमेट पहन लेता हूँ मतलब। और एक अब देखो ये भी विदाउट हेलमेट है, और यार लोगों को ना अपनी जान की परवाह नहीं होती। आप ये देखो कि लोग अपनी जान को कितना सस्ता समझते हैं। मैं उसका एग्जांपल भी दे देता हूँ कि आप मोबाइल लेते हो 10,000 का, लेकिन उसमें 200 300 400 500 रुपए तक का हेलमेट, सॉरी हेलमेट कह रहा हूँ, मोबाइल का हेलमेट यानी कि कवर लगाते हो, ठीक है अच्छे से अच्छा ढूंढ के, हार्ड से हार्ड के ढूंढ के, फिर उसके बाद आप अच्छा सा उसमें देख के स्क्रीन गार्ड लगवाते हो, ठीक है 11D और पता नहीं फलाना ढिमका कौन कौन से डी आ गया, हैमर वाले आ गए आजकल की, हैमर भी मारो तभी नहीं टूटता। तो ऐसे ऐसे ढूंढ के लगवाते हो ताकि आपके मोबाइल को खरोच ना दे बेचारे को, मतलब उसकी सुंदरता का कुछ नहीं कि जो लुक उन्होंने देख के लिया है वो फ़ोन को, वो लुक छिप रही है ठीक है उनके कवर लगाने से, लेकिन वो फिर भी कवर लगाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि भैया अगर ये टूट गया तो भैया हमें 8-10 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा। लेकिन खोपड़ी का क्या यार, तुम 400-500 मतलब अगर मैं गार्ड और कवर दोनों को मिला लूँ तो अच्छा गार्ड और अच्छा कवर दोनों को मिला के शायद 1,000-1,500 रुपये का आता होगा, ठीक है 1,000 रुपये का हम ले लेते हैं, कम से कम 1,000 रुपये का एक अच्छा कवर और एक अच्छा गार्ड आता है ठीक है। लेकिन हम वो 300-400 रुपये का मतलब अगर मैं हेलमेट एक मिड रेंज की बात करूं तो शायद 700-800 रुपये का अच्छा हेलमेट आ जाता है और उससे थोड़ा सा
और जो मतलब अनब्रांडेड सी कंपनी होती हैं वो आपको 500 रुपये में भी हेलमेट प्रोवाइड करवा देती हैं। तो मतलब हेलमेट लेंगे नहीं उनका मतलब सिर का लुक खराब हो जाएगा यार। अगर मोबाइल टूट गया तो आप पैसा कमा के दोबारा मोबाइल ले लोगे। अभी ये देखो ये भी सिर्फ एक सिंगल कैप पहने हुए हैं, तो अब एक मतलब कि आप पैसे कमा के दूसरा अच्छा मोबाइल भी ले सकते हो अगर एक टूट गया। लेकिन भाई अगर खोपड़ा टूट गया ना, तो एक तो अगर भगवान ने अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत हो गई तब तो सीधा ऊपर का टिकट कट गया बिना मतलब के 500 रुपये के चक्कर में। और अगर कुछ ऐसी वैसी इंजरी होगी ठीक है, तो आप घर पे रहोगे, दिक्कत होगी आपकी पूरी फैमिली को, तो उससे क्या है कि अगर आप 500 रुपये का रिस्क लेके अपने बालों को छोड़ के उनका लुक छोड़ कर, लुक तो बन जाएगा ना यार, लुक तो आप हेलमेट पहनो। और आजकल तो ऐसे ऐसे स्प्रे हैं, ऐसे ऐसे पाउडर है कि आप उन्हें बालों में लगाओ और आपके आप जैसे ही हेलमेट पहनोगे उसके बाद हेलमेट को उतारोगे आपके बाल एज इट इज रहेंगे यार। अगर आपको ऐसा पाउडर हेयर पाउडर या हेयर स्प्रे ऐसे चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ले सकते हो यार। बस हेलमेट लगाना मत छोड़ो यार, हेलमेट लगाते रहो। हेलमेट अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है जिसने बनाई है। बहुत सारी वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे या ऐसे बहुत सारी वीडियो वायरल होती रहती हैं जिसमें कि दिखाया जाता है कि कैसे लोग अपने एक हेलमेट की वजह से बच जाते हैं। तो ये अभी हम रेड लाइट पे खड़े हैं, 40 सेकंड की रेड लाइट है। एक टाइम होता था, मैं आपको बताऊं, 2005 में हमने पिंजौर में प्लॉट लिया था, 2005 में यहाँ पे एक सिंगल रोड हुआ करती थी। जितनी रोड पे हम चल रहे हैं ना, मतलब जितना ये यहाँ से और यहाँ तक की जो रोड पे हम चल रहे हैं, इतनी रोड में ही आना जाना हुआ करता था। सिंगल रोड हुआ करती थी, कोई लाइटिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मतलब एक डर लगता था, मतलब यहाँ से ना शाम को कोई 5-6 बजे के बाद आता नहीं था। एक तो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते थे ड्यू टू ट्रक वगैरह, क्योंकि ट्रक बहुत ज़्यादा चलते थे, अभी भी चलते हैं। बट अभी क्या है कि अभी भी जैसे 4 लेन 5 लेन हो गया है, रोड बड़ी हो गई, चौड़ी हो गई है और 24 घंटे लोगों का आना जाना है, तो कोई डर भी नहीं है ठीक है। और पहले तो मतलब बहुत ज़्यादा डर रहता था। और तो ये है हमारा सूरजपुर जो कि पहाड़ों में बसा हुआ है, और अभी शायद आपको अच्छे से ना दिख रहा हो, तो ये माता का मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।